कैसे फंसे गई हो गए बीएससी है ना तमाम ये बी ए हाइब्रिडाइजेशन जो बताया था समझ आया कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन के और एग्जांपल जो भी दिमाग में आ रहे हैं उतना तो काफी कुछ एक तरफ से देखिए कंपाउंड कोई भी हो ठीक आप लोगों को बैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने हैं जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं उनको हटाकर बाकी बचे इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनाना है। पेयर बनने के बाद जितने हम कहते हैं ऑर्बिटल तो एक ऑर्बिटल में दो ही आते हैं जैसे आप लोग ठीक स्टार्ट करिए। सल्फर का सबसे पहले बताएंगे आप लोग एटॉमिक नंबर या किस ग्रुप में आ रहा है सल्फर पहले तो ये बताइए किस ग्रुप में आ रहा है उसके ऊपर क्या होता है
गया। ठीक, ये कब है? इन ग्राउंड स्टेट, ऐसे तो लिखते हैं। एक्साइटेड स्टेट क्या है? जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है हमेशा याद रखिए किताबों में इन किताबों टप दिया रहता है, इसको यहाँ चेक करा दिया, कुछ नहीं करना हम लोग को। कितने फ्लोरिंग लगे हैं पहले देख लिया आपने? चार लगे हैं। हर फ्लोरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। चार बॉन्ड बनाने हैं, चार ऑर्बिटल हमें आधे आधे भरे हुए चाहिए। चार ऑर्बिटल कैसे चाहिए? आधे भरे हुए चाहिए। आधे भरे का मतलब जैसे कि आधा भरा हुआ है उसमें फ्लोरीन हम चाहे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हो जाएंगे, ये है ये दे देगा तो हो जाएंगे। हमें टोटल कितने चाहिए हैं? चार। इस पी के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? कितने चाहिए थे हमें? चार। इस एक को यहां पहुंचा दे, आगे चल। हमें रिक्वायरमेंट लिखनी है अपनी, चार चाहिए थे हमें, चार कर दिए। अब इन सब में एक एक फ्लोरीन में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर दिया, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर दिया। चार ऑर्बिटल भर गए, टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हुए? टोटल हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल यूज हुए यहां से यहां तक? छह ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन बन गया। कितने बॉन्ड हैं? फोर। और ये क्या है? ठीक, ये क्या है? चार जोड़ गए, फोर पेयर। ये हटा दिए तो ये शेप कैसा बताया था हमने? चार बॉन्ड और एक फोर पेयर वाला के शेप। हाइब्रिडाइजेशन में केवल आपको इतना देखना है बैलेंस में कितने हैं। ठीक, बैलेंस में कितने के बाद हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने ऑर्बिटल को हाफ कर देंगे।
किसी भी तरह से बैंक की कटाई लगाइए, आपने हाफ कर दिए और सभी हाफ में एक एक फ्लोरिंग लगा दी, ये लोन पेयर बच गया आपका, टोटल ऑर्बिटल काउंट कर दिए, जितने का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट कर दिया। कल हमने फिंगर बताई थी कि फिंगर मेथड से भी आप कर सकते हैं। जो भी क्लास थी इसके अलग अलग आपको क्या कहते हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल लिखवाए थे हमने। यस सर, SF4 TEF4। यस सर, टी कहां आएगा, टी कहां आएगा, ये है बीएससी है, एल्यूमिनियम कहाँ आएगा, किस ग्रुप में आएगा, अरे 23 है, ठीक है, तो जो चीज SF4 की होगी वही इसकी होगी, TEF4 की होगी, दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आपका आना ही आ रहा है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका शेप आना ही था, ठीक। और एग्जांपल क्या है, XEF2 नया एग्जांपल देखिए, कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं इस तरह से देखा करिए, जोड़ने कितने हैं, मतलब हमें दो ऑर्बिटल आधे चाहिए हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, तब तो फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ठीक है, तो दो ऑर्बिटल हाफ कर दीजिए, बाकी जैसे है रहने दीजिए, इसको हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया, कर दिया, एक ही को हाफ करिए, हमें दो 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 एक दो तीन चार चार पांच, देखिए ये हाफ किया, ये उठा के आगे पहुंचा दिया, तो दो हाफ ऑर्बिटल मिल गए हमको, एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया, तो हमें दो हाफ ऑर्बिटल मिल गए, इन दोनों हाफ ऑर्बिटल में एक एक फ्लोरीन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कर दिया, टोटल ऑर्बिटल कितने लग गए, पांच, तीन चार पांच, ऑर्बिटल क्या हो गया, sp3d, दिख रहा है sp3 और एक d, कितने बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं, ये वाले बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड हैं और बाकी सब क्या हैं, लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, होना चाहिए था हमारा कैसा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे होना चाहिए था, लोन पेयर कितने हैं, 3, 3 का मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया,
और लग गया। शेप कैसा हो गया? लीनियर है मगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी, कुछ याद है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए आपका चैप्टर ये पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्ड कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सल्फर के लिए वैलेंस में इलेक्ट्रॉन SF6। सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन संयोजी पुष्प इलेक्ट्रॉन सल्फर में दो तीन चार एक तो है। कितने बॉन्ड बना रहे हैं? बॉन्ड कितने बनाने हैं हमें? सिक्स बॉन्ड बनाने हैं, मतलब हमें छह ऑर्बिटल खाली आधे चाहिए। ये दोनों आधे थे, इसका एक उठाकर आगे कर दिया तो एक दो तीन चार मिल गए, इसका भी एक उठाकर आगे कर दिया तो एक दो तीन चार पांच छह मिल गए। हमें करके जो है खुद देखने छह बॉन्ड बनाने हैं, मतलब छह ऑर्बिटल आधे आधे चाहिए। ठीक, उन सब में आपने क्या कर दिया? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब टोटल ऑर्बिटल का हमेशा कितना हो गया? यहां से पढ़ते चले जाइए, d3 d2। कितने ऑर्बिटल लग रहे हैं? वही तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन होते हैं संकरण में, जोड़ दिया sp3d2। लगे शेप क्या होगा? छह का होता है।
पढ़ा रहा है। हाँ तो मुझे भी बारह नहीं है, जनरल साइंस की क्लास चल रही है ना। जो आपके बार बार आए हैं नंबरों के लिए, एक S2S का, I2 का, IF5 का, और जो लिखवाए हैं SF6, SF4, ये एग्जाम्पल आकर पूछे गए हैं आपको किस वीडियो और NBA में, इनके हम नेचर पूछे गए हैं, इनके हम नेचर के लिए। और बेसिकली P ऑर्बिटल आपको तीन एलिमेंट तक, तीन रो तक, हर पीरियड तक एक पी ऑर्बिटल आपका रटा होना चाहिए सारी प्रॉपर्टी के साथ। पीरियडिक प्रॉपर्टी भी दो लेक्चर में खत्म करनी है कि कब साइज बढ़ेगा, कब आने की डिले बढ़ेगी, कब घटेगी, कब आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। ये होते उतार दिए हमने, एग्जाम्पल कर दिएगा, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आए पहले हफ्ते आगे सो मंगल बुध तीन दिन क्लास लगाता था हम तीन गलती से। फ्री आई फोर है सब ऊपर, आई एफ फाइव आई ऊपर, आई टू शेप और हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा अच्छे से कि हर चीज जो है दिखनी ना पड़े, आपको केवल काउंट करने चले जाना है। जैसे अभी आपने एसएफसीएस निकाला, सल्फर में कितने वैलेंस, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सिक्स थे, और सारे सारे बॉन्डिंग में जा रहे थे, कोई लोन पेयर नहीं थे, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ऑर्बिटल आपने कौन कर दिए। ठीक, एसएफ फोर में कितना था, चलिए इसी को देखिए, इसको देखेंगे, IF5 को देखिए, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसके कितने, इसके बाद हैलोजन आता है, ऑक्सीजन वाले के बाद हैलोजन आएगा। तो बैलेंस जब कहें तो केवल आपको एसपी का ही बताना है, अंदर का ही बताना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक बढ़ जाएगा 53 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, इसके 6 हैं, इसके 7 हो जाएंगे, नहीं है चलो ठीक है, 5, 2, 7 हो गए। कितने बॉन्ड बनाने हैं, 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन चले गए फ्लोरीन के साथ, बचे कितने, दो ने कर दिया पेयर। अब टोटल कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ये ऑर्बिटल है बने हुए 6 दिख रहे हैं, 6 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, 6 का sp3d2 IF5 का IF 10 3 2 हो गया, 5 वहां चले गए और एक आपको लोन पेयर, 6 वाले में sp3d2 का शेप क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर थे, 5 बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर, 5 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर रह गया था, इसमें से 6 बॉन्ड है, एक हटा दिए, यहाँ भी है ये हटा दिया, यहाँ पे लोन पेयर। अब ये शेप कैसा दिख रहा है आपको, 4 का पिरामिड दिख रहा है, 4 का पिरामिड दिख रहा है, 4 फेस का पिरामिड ये दिखा, नीचे भी पिरामिड था तो ऑक्टाहेड्रल था, ऊपर का भी हटा दिया तो टेट्रागोनल पिरामिड, क्या नाम होगा, टेट्रागोनल पिरामिड। एक लोन पेयर अगर और हो जाता ऊपर वाले भी हट जाते सारे बॉन्ड,
शेप कैसा बचता है? ये शेप कुछ इस तरह से है कि कुछ इस तरह से है, यहाँ पे एक सेंटर आता है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। चार बॉन्ड कहाँ है? प्लेन में। एक बॉन्ड आपका ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे वाला हटा दिया हमने, ऊपर वाला लगा है, पिरामिड बन गया। ऊपर वाला भी हटा देंगे तो अब क्या बचेगा? ऊपर वाला भी हटा दिया तो अब केवल क्या बचे? एक प्लेन में चार बचे। तो ये आकार क्या कहलाएगा? अरे पिरामिड क्यों कहलाएगा भैया? ऊपर से तो हट गया ना, तो एक और हट गया, नीचे वाला भी हट गया, ऊपर वाला भी हट गया। अब केवल ये चार बॉन्ड बचे हैं, केवल चार बॉन्ड बचे हैं। अब ये चार बॉन्ड एक सतह पे हैं, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक आकार समझ आ गया? स्क्वायर आकार अगर एक और हट जाता है, स्क्वायर प्लेनर आकार आता है। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल से दो बॉन्ड लगाने पर और दो रोल पेयर लगाने पर, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रेशन के बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। टेम्परेचर किस लेयर में बढ़ता है, किस लेयर में घटता है, ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, आप ऊपर जा रहे हैं सूरज की तरफ, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि सोच समझ नहीं है, आप सूरज की तरफ जा रहे हैं, आपका टेम्परेचर घटेगा। सब बढ़ेगा नहीं, घटेगा, जब जब भी मैं पढ़ा घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो भी वातावरण का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सूरज की वजह से नहीं होता है, पृथ्वी की वजह से नहीं, पृथ्वी जो निकालती है हीट रेडिएशन उसकी वजह से होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा घटेगा, कम होता जाएगा। इवन एटमॉस्फेयरिक, जहाँ जहाँ एटमॉस्फेयर जा रहा है 100-110 किलोमीटर तक, वहाँ तक जाते जाते भी -100 पहुँच जाता, माइनस तक पहुँच जाता है, ठीक है। कुछ टेम्परेचर कुछ रीजन बढ़ता है, उसमें घटता है, फिर बढ़ता है, घटता है, अल्टीमेटली फिर घटता जाता है। कहाँ कहाँ कौन सी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर को, कौन कौन से कारक पनपित कर रहे हैं, कौन कौन से प्रदूषण के कारण हैं, कुछ प्रमुख घटनाएं, कुछ प्रमुख घटनाएं जैसे एसिड रेन, लंदन मॉस, एलए फॉग, भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें से कम एक दो के बारे में कुछ सुना है, कुछ पता है, कोई आइडिया? भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेट हुई है, इसके बारे में बताऊंगा। हमने बरसात के बारे में, ये किस कारण होती है?
ये भी इंडिया का ही फिनोमेना है, ये और ये इंडियन फिनोमेना है, तो इन दोनों के बारे में तो पता होना चाहिए किसकी वजह से हुई। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन के लेयर में छेद होने का कारण कौन सी गैस, कौन सी रिएक्शन, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस से होता है, क्या कहलाता है, कौन होता क्या है ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इतने फिनोमेना आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। और इसके अलावा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, कौन कौन से लेयर, कौन कौन सी गैसेज है, लेकिन तो लॉक कर लिए ताकि जो है हमारे वहां से ना कटे। और ये आपको इसके बारे में मिले तो पढ़ते रहिए। सुना है नाम? हाँ सर सुना। जापान में एक जगह थी मेरी माटा, पता था जी बता रहे हैं, वहाँ पे एक कैंडल फैक्ट्री थी, उस कैंडल फैक्ट्री ने अपना कचरा मेरी माटा नदी में डाला, उस नदी में जो मछलियाँ थी उन्होंने उस कचरे को खाया, कचरे में था क्या, मेनली मरकरी और लेड, मछलियों ने खाया, मछली को पकड़ा गया, बाजार में गई, जब उस मछली को लोगों ने खाया तो वो मरकरी उनके सिस्टम में गई, तो ये हैवी मेटल है, हैवी मेटल पॉइंटर होती है, बांध का झड़ना, त्वचा में चकत्ते पड़ना, डेथ, आंखों का मछली जाना, ये सब चीज़ें जो है मरकरी से होती है। मरकरी की वजह से होती है, मरकरी पॉइजन होती है, मरकरी कहाँ से आई, मरकरी फैक्ट्री वालों ने कचरे में निकला, कचरा उन्होंने डायरेक्ट नदी में डाल दिया, नदी में मछली आई उन्होंने खाया, मछुआरों ने मछली पकड़ी मार्केट में बेची, आदमियों ने खाया, उनके सिस्टम में मरकरी गई, तो उस डिजीज का नाम मिनी मार्केट डिजीज रखा है। ठीक है, ये जापान का फिनोमेना है। एलेक्ट्रॉक नंदन फॉग, दिवाली के जस्ट बाद दिल्ली में धुंध बढ़ जाती है, वो यही फिनोमेना है, जो एटमॉस्फेयर में सल्फर वगैरह होता है वो कोहरा का मतलब क्या होता है, जो आप धुंध होती है कोहरा होता है, तो क्या कोहरा, कोहरा कुछ नहीं है, वेपर है भाप, और उस भाप के कण के ऊपर धूल कार्बन डाइऑक्साइड चिपके हुए हैं, तो आप सोचिए उसी फॉग में अगर SO2 NO2 भी चिपक जाएगा कि तो वो और गाढ़ा हो जाता है, सांस लेने में सांस के अंदर जा रहा है वो और दिक्कत कर रहा है, तो ये चीज़